What are the eligibility to start a potato chips business? हर किसी का सपना होता है कि कुछ अलग किया जाए, कोई नया बिजनेस किया जाए। कई बार हम अपने आसपास के लोगों को देखकर बिजनेस करने के लिए इंस्पायर होते हैं। ऊंचा ख्वाब और कुछ नया करने का जज्बा अगर आप में है तो बधाई हो। हम आपको आज एक शानदार बिजनेस की जानकारी दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमारी जानकारी से अगर आपको इस बिजनेस में कामयाबी मिलती है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी सक्सेस होगी। तो आइए समझते हैं पोटैटो चिप्स के बिजनेस के बारे में। पोटैटो चिप्स के बिजनेस के बारे में सोचने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इंडस्ट्री में चिप्स कितने स्टेप्स में मैन्युफैक्चर होते हैं। तो दोस्तों ये है वो 7 स्टेप्स: वॉशिंग, पीलिंग, स्लाइसिंग, ड्राइंग, फ्राइंग, मसाला मिक्सिंग एंड पैकेजिंग प्रोसेस। वॉशिंग, आलू को सबसे पहले धोया जाता है, धोया मतलब नहलाया जाता है ताकि मिट्टी और धूल साफ हो जाए। फिर इन्हें पील किया जाता है, पील यानी आलू के छिलके उतारे जाते हैं। फिर आलू स्लाइस कर इन्हें चिप्स की शक्ल दी जाती है। चिप्स की डिज़ाइन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। फिर ड्राइंग प्रोसेस से इन चिप्स का पानी सोखा जाता है। फिर फ्रायर में इन्हें फ्राई कर दिया जाता है। यहाँ पर आपकी बेसिक चिप्स रेडी हो जाती हैं। अब इन चिप्स में अलग अलग फ्लेवर दिया जा सकता है जो आप मार्केट में देखते हैं, जैसे क्रीमी अनियन, चटपटा मसाला एक्सेट्रा। मसाला मिक्सिंग प्रोसेस में इन्हें फ्लेवर दिया जाता है। फिर अलग अलग फ्लेवर को सुंदर सी पैकेजिंग में पैक कर लिया जाता है। तो ये थी आलू चिप्स मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस, जिसमें हर लेवल पर मशीन यूज होती है जो इस काम को फास्ट और इजी वे में करती है। और आप एक दिन में हजारों चिप्स के पैकेट मार्केट में भेज सकते हैं। यहीं पर आपकी मशीन की एफिशिएंसी और क्वालिटी की इंपॉर्टेंस होती है, जिसे हम अगले पार्ट में देखेंगे।